हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं। डीएलएड है, इसको जेबीटी या फिर डीएड भी कहा जाता है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी 16 अगस्त से और 25 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब रजिस्ट्रेशन में के बाद क्या मेरिट के बेस पर जो लिस्ट है एडमिशन के लिए वो आउट हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको डीएड हरियाणा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। आपने जिस भी कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। उस कॉलेज को सेलेक्ट करते ही क्या होगा, आपके सामने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। आप उस लिस्ट में चेक कीजिए कि क्या आपका नाम उन कैंडिडेट्स में से है। अगर आपका नाम उन कैंडिडेट्स में से है, इसका मतलब आपका जो एडमिशन है उस कॉलेज में हो जाएगा। अब आपका जो नाम है अगर उस लिस्ट में है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी ज़रूरत होगी। एडमिशन के टाइम अलॉटमेंट लेटर है उसकी ज़रूरत होती है, तो अलॉटमेंट लेटर है उसको निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको क्या, लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसका यूज करना होगा। इसमें ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन देखिए, आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आया हुआ है, तो ये लॉगिन आईडी है, इसमें अपनी लॉगिन आईडी डालिए, जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए। इसके बाद इसको लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने क्या है, जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा आपका। उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। इसके बाद आपको जो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिला होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला था वो और अलॉटमेंट लेटर, इन दोनों को साथ लेके कॉलेज जाना है जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है वहाँ। और साथ में जो जो भी एडमिशन के टाइम पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब भी लेके जाने हैं, जिनमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो मेन है 10th का है, 12th का है, उसके बाद आपने जो भी कुछ स्टडी की हुई है वो डॉक्यूमेंट आपके, और अगर आपका किसी कैटेगरी में हुआ है तो बीसी का सर्टिफिकेट या फिर एससी का सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज जाना है। और वहाँ पर आपका जो एडमिशन है उसके लिए आपको वहाँ आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।